नमस्कार दोस्तों, जितिन टेक्नोलॉजिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एक वॉलपेपर ऐप के बारे में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन को काफ़ी अच्छा लुक देगी। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एमोलेड वॉलपेपर्स ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी ऐप है। और इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है आपको 4.5 की मिल जाती है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप जो है ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं इस कैटेगरी के काफ़ी सारे वॉलपेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कोई भी कैटेगरी के वॉलपेपर जो है ले सकते हैं। तो यहाँ कैटेगरीज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, या आपको फ्लावर्स हो गया, या मिनिमल हो गया, या नेचर का हो गया। तो आप काफ़ी सारे कैटेगरी के वॉलपेपर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंट्स में जाएंगे तो आपको रिसेंट्स के वॉलपेपर मिल जाएंगे। और यहां पर अगर ऑल टाइम पॉपुलर में जाएंगे तो आपको यहां ऑल टाइम पॉपुलर के वॉलपेपर जो है मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये गूगल का हो गया वॉलपेपर, और यहाँ पर देख सकते एंड्रॉइड, तो काफ़ी सारे एनिमेशन के आपको वॉलपेपर इस ऐप में मिल जाएंगे, जो कि ये काफ़ी अच्छा ऐप है और आपके फ़ोन का एक अलग लुक दे देता है ये वॉलपेपर। और दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि ये आपके फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस वॉलपेपर ऐप से आपकी जो फ़ोन की बैटरी होती है काफ़ी हद तक बच जाती है। तो यहाँ पर सफल में जाएंगे तो सफल में भी आपको कई क्वालिटी के वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थ्री डॉट पे जाते हैं, साइड में आप हम क्लिक करते हैं। साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन सिर्फ मिलेगा। तो यहाँ पर बाकी और कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कोई काम के नहीं हैं। रेट ऐप है, मोर ऐप है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। और यहाँ पर माई फेवरेट्स में जाते हैं, तो माई फेवरेट्स में आप कोई भी वॉलपेपर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्लोर में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पर हम आपको एक वॉलपेपर सेट करके दिखाते हैं कि आप सेट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वॉलपेपर ऐप जो है सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला। तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सेट एज है, क्रॉप एंड सेट है, शेयर है, डाउनलोड है। तो मैं इसको सेट एज पे क्लिक करूँगा, जो टिक का निशान है, इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ जो भी ऑप्शंस खुल जाते हैं तो उस ऑप्शन से खोल के आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन मांग रहा है, तो यहाँ पर 2160x1920 कर लेता हूँ, और यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ। तो यहाँ टिक करने के बाद मेरा वॉलपेपर जो है सेट हो गया है, आप देख सकते हैं मेरी होम स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, अमेजिंग लुक देता है एक होम स्क्रीन पर आपके। तो आप वॉलपेपर ये ऐप है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पड़ोस में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ अगर इस ऐप के रिलेटेड आपको कोई सवाल या सुझाव अगर छोड़ने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अभी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।